हरियाणा में जल्द ही क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क लागू किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश के सभी थाने ऑनलाइन होकर देश के थानों के साथ जुड़ जाएंगे। इस साल के आखिर तक शुरू हो जाएगा सीसीटीएन सिस्टम। हरियाणा में अपराध पर फुल स्टॉप लगाने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। हरियाणा सरकार ने अब सूबे के सभी थानों को सीसीटीएन यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के साथ जोड़ने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी थाने ऑनलाइन हो जाएंगे। इस साल के अंत तक प्रदेश के सभी थाने सीसीटीएन से जुड़ जाएंगे। इस सिस्टम के ऊपर काफ़ी एडवांस स्तर पर कार्य चल रहा है और अभी एग्जैक्टली कौन कौन से पुलिस स्टेशन से कनेक्ट हुए हैं वो सूचना इस समय राइट नाउ मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये अभी बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर ये कार्य चल रहा है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने भरोसा दिया है कि अब प्रदेश में अपराध और अपराधियों दोनों पर अंकुश लगाना आसान होगा। सीसीटीएन योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा और ऑनलाइन होने की वजह से हरियाणा के थाने देश भर के थानों से भी जुड़ जाएंगे, जिससे अपराध से जुड़े मामलों के अनुसंधान में मदद मिलेगी। इस वर्ष के अंत तक हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी पुलिस स्टेशन को इस नेटवर्क से जोड़ दें। देखिए, सीसीटीएन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपने एक जगह पर यहाँ पर क्राइम किया है और अगर आप दूसरी जगह के आप छिपे हुए हैं, मान लो किसी दूसरे केस में अगर पकड़े गए वहाँ पे, ठीक है, तो आपको इमीडिएटली एक दूसरे केस से एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा डेटा, आपका फिंगरप्रिंट्स, आपका बायोमेट्रिक, सारा कंप्लीट डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। दरअसल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे देश भर के थानों में अपराध या अपराधी के अनुसंधान के बारे में जानकारी एक साथ साझा करना आसान होता है, क्योंकि अपराधी या अपराध का सारा डिटेल यहां ऑनलाइन उपलब्ध होता है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।